रायपुर ग्रामीण विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी मोतीलाल साहू आज हमारे साथ में है। हम इसे समझते हैं कि इस बार का मुकाबला किस प्रकार से देखते हैं। सत्यनारायण शर्मा इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके लड़के पंकज शर्मा मैदान में हैं। किस प्रकार से मुकाबला देख रहे हैं आप इस बार का? यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा वहाँ पे चुनाव जीत रही है, कमल खिल रहा है रायपुर ग्रामीण विधानसभा में। ये कांग्रेस के ही कार्यकर्ता और नेता मायूस है, पहले बाप उसके बाद बेटा और उसके बाद में फिर आने वाला उसकी पीढ़ी, वंशवाद से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पीड़ित है, आपस में ही उलझन की स्थिति है। तो ये आपस में उलझे हुए हैं, वहां पे कमल ही खिलेगा। 5 साल में इन्होंने जो दुर्गति किया है, बर्बाद किया है रायपुर ग्रामीण विधानसभा को, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा दिया है, गुंडा राज चलाया है, आतंक चलाया है, कानून व्यवस्था वहां समाप्त कर दिया है, तो कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। आपने कहा वंशवाद एक हावी है लगातार, क्या है आपके पास ऐसा कि जनता आपको भरोसा करे और आपको चुन के आए? देखिए, पार्टी की अपनी विचारधारा है। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य गठन करने के बाद जो सेवा किया है, आज उसको लोग याद कर रहे हैं, और जो विकास कार्य हुआ था, छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान मिला था, तो निश्चित तौर पे आज जनता उस समय को याद कर रहे हैं कि ये 5 साल में जो कांग्रेस ने जो छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया है, तो अब जनता चाहती है कि छत्तीसगढ़ फिर से विकास की पटरी में दौड़े, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाह रही। ग्रामीण विधानसभा से आपको प्रत्याशी बीजेपी ने चुना है, भरोसा जताया है, लेकिन आपके क्या एक अहम मुद्दे रहेंगे, क्या आपका एम रहेगा अब ग्रामीण विधानसभा को लेकर के? आप अगर चुन के आते हैं, जनता आशीर्वाद देती है, तो क्या एक विजन लेके आगे जाएंगे और जनता के लिए काम करेंगे? देखिए, विकास जो है सतत प्रक्रिया है, और उसमें कोई बाधा होता है तो एक आत्मपीड़ा होता है लोगों को, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि समय के साथ तेजी से आगे बढ़े। तो निश्चित तौर पे वहाँ पे जो आवश्यकताएं है, अभी जो बर्बाद की स्थिति में है, सड़कें खस्ता हाल में है, नालियों की स्थिति ठीक नहीं है, इतना बजट आने के बाद भी केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी के नाम से बहुत कुछ किया है ना, नल जल योजना के तहत बहुत कुछ किया, बहुत सारी योजनाएं, महत्वाकांक्षी योजनाएं केंद्र सरकार की है, लेकिन इस सरकार की नीयत जो है ठीक नहीं होने के कारण बराबर ढंग से छत्तीसगढ़ की जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाया है। तो ये बहुत बड़ी विषय है, और जनता अब इन सब चीजों को देख रही है और समझ भी रहा है, तो अब ये बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये जाना पहचाना चेहरा है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को लूटा है, और रायपुर ग्रामीण विधानसभा को इन्होंने लूटा है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, कानून व्यवस्था समाप्त तो हो चुका है। तो अब ऐसा है कि लोग नयापन चाह रहे हैं, और आपने कहा कि लोग नयापन चाह रहे हैं, भ्रष्टाचार लगातार ग्रामीण विधानसभा हुआ है, लूटा है, कई तमाम आप आरोप लगा रहे हैं, तो क्या जीत का अंतर कितना मानते हैं, कितना आपका जीत का अंतर रहेगा? बड़ी अंतर रहेगा, ये तो 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी उस दिन आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं कोई टक्कर नहीं है, कहीं कोई मुकाबला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और कमल एक तरफा रायपुर ग्रामीण में खेल रहा है। ये थे हमारे साथ में बीजेपी के प्रत्याशी मोतीलाल साहू, इन्होंने कहा है कि कोई टक्कर नहीं है, और अब इस बार कमल पूरी तरीके से ग्राम विधानसभा में खेलेगा। कैमरामैन दीपेश सोमकर के साथ सतन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, छत्तीसगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।